2020 में जबलपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग कर एक बार फिर शहर के करीब 100 से ज्यादा लोगों को उनका गुम हुआ मोबाइल वापस कर नए साल का तोहफा दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज गुम हुआ मोबाइल फिर से पाकर लोग खुश हुए। मोबाइल हाथ में लेते ही कुछ लोगों के चेहरे खिल गए तो कुछ लोग SP अमित सिंह के साथ सेल्फी लेते रहे। जबलपुर पुलिस ने बीते 2.5 सालों में 1000 से ज्यादा गुम मोबाइल वापस किए हैं। आज भी जबलपुर पुलिस ने 122 गुम हुए मोबाइल लोगों को लौटाए हैं। अपना गुम मोबाइल लेने 70 साल के बुजुर्ग भी पहुंचे। SP के हाथों से अपना मोबाइल पाकर बुजुर्ग खुश हुए। बुजुर्गों ने SP को बताया कि वो सिलाई करते हैं और अपने बेटे को मोबाइल लेकर दिया था पर उसने गुमा दिया था। SP अमित सिंह की माने तो मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि उस मोबाइल में उनकी यादें भी कैद रहती हैं। ऐसे में अगर मोबाइल गुमता है तो आर्थिक क्षति तो होती ही है, साथ ही मोबाइल मेमोरी में यादगार पल भी लोग सजाकर रखते हैं और ऐसे में गुम हुआ मोबाइल मिलना बहुत ही सुखद होता है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2018 में गुम हुए 318 मोबाइल जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए है, वहीं वर्ष 2019 में गुम हुए 512 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 63,25,000 रुपए है और आज 122 गुमे हुए मोबाइल वापस किए गए हैं। ये जबलपुर पुलिस का सिलसिला है जो 1000 मोबाइल तक पहुंच गया है। 2020 का ये पहली खेप है जिसमें 122 मोबाइल हमने मोबाइल धारकों को वापस किया है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, निश्चित तौर पे इस सारी प्रक्रिया में पुलिस का जो विश्वास है वो और बढ़ता है। जनता को दिखता है कि पुलिस उनकी छोटी छोटी जो कंप्लेन होती है उस पर रिस्पॉन्ड करती है। अमूमन ये पैटर्न रहता है कि कोई भी मोबाइल गुम होता है तो एक सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया जाता है और एप्लीकेशन देने वाला जो मोबाइल जिसका गुम होता है वो कभी भी अपेक्षा नहीं करता है कि पुलिस उसके मोबाइल को खोजकर उसे देगी, लेकिन जब ऐसा करती हुई दिखती है पुलिस तो निश्चित तौर पे पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसमें बढ़ोतरी होती है और जनता को लगता है कि उसके छोटे छोटे आवेदन को पुलिस पूरी तल्लीनता से लेती है और उसे वापस देने का भी प्रयास करती है। पूरे मध्य प्रदेश में बहुत से जिलों में ऐसी प्रक्रिया को अपनाया है और जबलपुर पुलिस ही नहीं पूरी मध्य प्रदेश पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। जनता का विश्वास जीतना हमारी सर्वोच्च